पिता श्री और पिताजी इस दम और क्यों किया और मुझको बापू मैं कहा बताऊंगा कहा कई सालों से प्रधान रह चुका हूं। वो तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। लेकिन सरकार ने इस साल में एक बार जब सीट करार दे दिया तो हम प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़ सके। हमने अपने नौकर सरजू प्रसाद को खड़ा किया, लेकिन लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं था कि हमारी बराबरी में प्रधानी का इलेक्शन लड़ जाए। वो तो मैं अच्छे तरीके से जानता। लेकिन हमारे गाँव का एक बहुत ही जिद्दी किस्म का आदमी जिसका नाम परशुराम वर्मा है, वो हमारी बराबरी प्रधानी का इलेक्शन लड़ गया और वो जीत भी गया। लेकिन उसको जिताने वाला सिर्फ वो चुम्मन मियां है, क्योंकि उसके परिवार में 250 वोट थी और सारी वोट हमारे दोस्त सरजू प्रसाद को न दे करके उसने परशुराम को वोट देकर उसे प्रधान बना दिया। अब नतीजा ये रहा कि जब से वो प्रधान बन गया है तब से उस हरामजादे ने उसके बेटे लाखन ने हमारा और हमारे बेटे का जीना हराम कर रखा है। आए दिन उसका बेटा लाखन हमारे बेटे गुमान सिंह का रास्ता रोकता है और जब रास्ता रोकता है तो उसके ऊपर हाथ चलाता है, मारता पीटता है। अब आप बताएं कि हम किस तरीके से इस गांव में पदौंजा में रहे। अरे क्या इस गांव पदौंजा से हम भाग जाए, कहीं गाँव छोड़ करके चले जाए। आप हमें कोई तरकीब तो बताए। आप क्या चाहते हैं? यही कि परशुराम और चुम्मन मियां हमारे रास्ते से हट जाए और यह प्रधानी हमारे हाथों में आ जाए। तो कहो, परशुआ अपना जलवा दिखा रहा है, लखना दिखा क्योंकि उसका बाप प्रधान है ना, इसलिए वो अपना जलवा दिखाता है। आपको मालूम होना चाहिए जमींदार साहब इस इलेक्शन की जड़ कौन है। इस इलेक्शन की जड़ सारा वो जुमना है। अगर जुमना नहीं होता तो आज के दिन आपके सामने इतना बड़ा पड़ा नहीं होता। आप एक काम कीजिए, इस वक्त जाओ और जाकर सारे जुमना का मर्डर कर दो। मर्डर कर दो? हाँ। क्या बात कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब, जुमना का मर्डर कर दूंगा, पुलिस हमें गिरफ्तार करके और जेल पहुंचा देगी। नहीं ठाकुर साहब, यह इंस्पेक्टर खोटे तुम्हारे साथ है। जब तक हम इस थाने में मौजूद हैं, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तुम जाकर जुमना का मर्डर करोगे और जिस वक्त उसका मर्डर हो जाए तत्काल हमारे पास टेलीफोन करोगे। ये क्या नजराना तरकीब बताने के लिए, क्योंकि पुलिस से हमारा खतरा टल रहा है ना। पुलिस हमारे साथ है, हमारा कोई भी इंसान बाल बांका नहीं कर सकता। जरूरत है खोटे साहब, कहने वालों ने कहा है घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। ठीक है, आप चिट करते हैं तो रख लेता हूं, इसे रख लो। और हां, जिस वक्त उसका मर्डर हो जाए तत्काल हमारे पास टेलीफोन करो। फिकर मत करो, जिस वक्त ये काम हो जाएगा मैं आपके पास तत्काल फोन कर दूंगा। मैं आपको फोन का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू। चलो पापा आओ चाचा। ये सारा जुमला इलेक्शन की जड़ है। आप देख लो इस इलाके के अंदर मैं कैसी तबाही मचा दूंगा, क्योंकि मेरा नाम इंस्पेक्टर खोटे है, बिल्कुल इलाके को खोज कर रख दूंगा। मैं फोन का इंतजार करता हूं, चलता। अरे बेटी सकीना। हाँ बू। क्या खाना तैयार हो गया? अभी नहीं,
तैयार हो गए आप। चलो ठीक है, हम खेतों को बाहर चल रहे, खेतों को देखभाल करेंगे और खाना लेकर तुम वही आना। ठीक है, देखें इस वक्त जानवर बहुत छुट्टा है, खेतों में बहुत नुकसान हो रहा है, तुम खाना लेकर वहीं आना, हम वहीं रुकेंगे क्योंकि जानवर साले बहुत परेशान कर रहे हैं। ठीक है अब्बू, ठीक है, खेतों में आना। ठीक है, क्या बताऊं, आज जाऊंगी खेत को अब्बू के लिए खाने लिए, कितना अच्छा मौसम सुहाना है। ओ ये जवानी ओड़े चुनरिया सर से सरी की जा, हो आई जवानी मोरी चुनरिया सर से सरी की जाए, हो इधर संभालू गिरे उधरी को नागिन सी लहरा, समझ में ये चाचा नहीं आती है। वो क्या? इंस्पेक्टर खोटे ने तो तरकीब बता दिया है, लेकिन चुमना साला मिलेगा कहां जो उसको मिटा दे। अरे बेटा, इस समय जानवर बहुत ज्यादा छूटे हुए हैं, चुमना अपने खेतों की रखवाली कर रहा होगा। तो इसका मतलब उसकी लौंडिया खाना पानी जरूर लेकर खेत को जाती होगी। क्यों नहीं, तो चल करके आज खेतों में ही कयामत मचा देते हैं। चला बहा पैगाम पापा। चलकर अपने भाईजान जुम्मन मियां से मिलेंगे और बताएंगे हमारा बेटा एक पुलिस अफसर हो गया है, अब बहुत खुशी की बात है। और हमारे भाईजान जब जुम्मन मियां ये बात सुनेंगे तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। और जितने टाइम बेटा ड्यूटी से घर आएगा तब हम जुम्मन मियां का मुंह मीठा कराएंगे। भरतिया सना नना होई मोरे राजा, राजा मोरे मुरलेला ना मिठैया, सो राजा मोरे मुरलेला ना मिठैया, जबना 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 कसम सा होई मो, चाचा चिड़िया बहुत फुदक फुदक कर चल रही है। अरे ये और कोई नहीं, वही है चुम्मन मियाँ की लौंडिया सकीना है। सकीना तो चल कर के साली चिड़िया को दबोच लेते हैं बात की तरीके से, निकल ना जाए। बुलबुल बोले अंगिना मेरे तू कब आएगा बता सजना, और मेरी जान मन प्यास दिल की हमारी बुझा दीजिए। हाय हाय सकीना, तप प्रति हमल और तुम्हारा सुना पापा, और तुम्हारा सुना हम गरीब कई दिन सताओ नहीं, मारी डालो तो हमको देगा तेरा और जमाना नहीं आज दिल की।
जाएगी राज महलों की रानी और बना ले उसे तेरे बिस्तर की सौभाव आराम जादे। साला इलेक्शन की जड़ साफ साला जुमना था जुमना, आज इसका हमने निवास बना दिया। साला हरामजादा सकीना तड़प रही, आओ लाला आओ चाचा छोड़ दो साली को। आज आज बुढ़ापा सफल हुआ। सारी वोट जितनी बैक थी यही सकीना ने सब काट दिया था। आज एक एक वोट का हमने बदला चुका। अरे आप साली तड़फेगी चीखेगी चिल्लाएगी मौत मांगेगी लेकिन मौत नहीं पाएगी। और जो भी हालत सकीना की देखेगा वो कोई गांव पतौंजा में सपोर्टर नहीं बनेगा। बनेगा और हमसे टकराने की जुर्रत नहीं करेगा। हदें आ रही है। पापा जुमना का काम तुमने तमाम कर दिया। जुमना को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। सकीना को भी सुला दो क्या पापा? क्योंकि तो अगर ये बच गई तो हमारी तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। इससे पहले ये कहीं जाकर के गवाही दे दे इसका भी किस्सा खत्म कर दिया। चलाओ इसे कहीं जुबान खोल दिया तो गांव पतौंजा में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अरे तूने मेरी इज्जत लूट के अनजाने किया और मेरे अब्बू का भी खून कर दिया। मैं थाना जाके तुम्हारे नाम की पया लिखाऊंगी। तूने खून कर दिया? नहीं मैं सच कहता हूं कि ये खून हमने। नहीं।
किनारे करो। ठाकुर साहब और खून नहीं मैंने और खून नहीं मैंने किया और सच मेरा खोटे के पास लगाओ। हेलो इंस्पेक्टर खोटे साहब, मैं लाला कौशल राम बोल रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके बताऊं जाके पूर्वे वाले हार में आ जाइए। दो मर्डर हो गए हैं, कह दो। अरे हाँ हाँ बताएंगे, दो कत्ल हो गए हैं और हमारे सरकार भी है वहीं पर। किस तरीके से ड्यूटी करते हो? बहुत चल के साथ आ जाओ, कातिल को भी पकड़ रखा है। हाँ हाँ नमस्कार खोटे साहब, ये रही लाशें। क्या कहा? और ये रहा कातिल जिसके हाथ में रिवाल्वर मौजूद है। तेरी क्या ऐसी दुश्मनी थी जो कि तूने खून कर दिया? इंसान चुपमन मिया इसका मदद क्यों हम कर दिया? साहब आप तो अपने जी सब प्रवृत्ति धारण किए, आप एक देश के रक्षक हैं, ये बात आपके मुख से शोभा नहीं देती। शुक्र तो इस बात का मनाओ कि हम लोग खेतों की तरफ आ गए, जो इसको रंगे हाथों से पकड़ लिया। इंस्पेक्टर साहब वो मार इसको दे दो कि कोई भी इंसान ऐसी घिनौनी हरकत। साहब सुन, जिंदगी बताओ साहब को सही सही बता दे।
जेल चले जाओगे, छूट के आ जाओगे, अगर जुल्म इकबाल नहीं किया तो पिताजी तुम्हारे जो है हिरासत में जिंदगी के लिए खत्म कर दे जाए। क्या बातचीत हो रही है? बाल कर ले साहब। हाय तुम तो इस पत्तर हो, कोई जाहिल नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए शेयर हाउस भेज दो। यहाँ खून का एक बार नहीं कर रहा है, इतनी मार साले को थाने में चल कर दो के साला ये खून का एक बार अपनी जुबान से कर ही ले। ठीक है, देखा देखा हमारा कहर, अरे ये सारा परसुआ प्रधानी करने चला था इस गांव पतौजा की, लेकिन नहीं, अरे मुझे लोग ठाकुर रणवीर सिंह कहते हैं, और ठाकुर रणवीर सिंह हमेशा इस गांव पतौजा का बेसा बेताज बादशाह रहा है और हमेशा बेताज बादशाह रहूंगा। नौकरवा देखा हमारा कहर गांव पतौजा पर। हाँ। अरे अभी क्या अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी। हाँ। जो बदला कहा था कैसा मौत का नंदा नाच नाचूंगा, देखने वालों की रोहे थर्रा उठेगी, क्योंकि अपमान हुआ है। हाँ वो लखना, अरे लाखन की हड्डियों का सुरमा तो इंस्पेक्टर खोटे बनाएगा, वो बहुत माहिर है। हाँ गुमान सिंह का, अरे गुमान सिंह के बदला। हाँ। गुमान सिंह के चिस्त पर लगे हुए हंटरों के निशान अगर हमने उस लाखन के खून से न चुकाए तो हमारा अभिराम ठाकुर रणवीर नहीं है। लेकिन एक बात बता, बोलिए, इस समय हमारा बेटा गुमान सिंह कहाँ है? बेटा गुमान सिंह कहूँ जलवा खाने रहे हो यहाँ? लेकिन शायद तू तो जानता है। हाँ। नौकरवा शायद तुझे नहीं मालूम ये जमींदारी, ये रियासत,
ये हमारी कुछ भी नहीं है। और किसकी है? ये सब हमारे साले भानु प्रताप सिंह की है। साले भानु प्रताप सिंह? हाँ, कहने का मतलब ये बहुत बड़ा राज है। वो कैसा राज? हम तुझे बता तो देंगे, लेकिन जब तक हमारा बेटा गुमान सिंह नहीं आता है तब तक हम अपने बेटे के आने का इंतजार करते हैं। समझ गए? तब तक हम जल्दी जा। एक छुट्टी का इसका मतलब इससे पहले फोन आ चुका है। हेलो, हाँ कौन? अरे बेटी वर्षा। हाँ बोलो, क्या बात? क्या क्या कहा? तुम आज अपने गांव पतंग जगवा रही हो क्यों? अच्छा, तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है? अरे वर्षा, अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? हाँ, ठीक है, मैं मिश्री के स्टेशन पर अपने बेटे क्या? अरे नहीं, मैं नौकर को नहीं भेजूंगा, वो सारा बहुत बदतमीज है। मैं अपने बेटे गुमान सिंह को भेज दूंगा, तब तक तुम वहीं ठहरो। हाँ, इंतजार करो, हम अपने बेटे को भेज देंगे, वो गाड़ी लेकर के आएगा और तुम उसके साथ अपने गाँव पदुजा को चले आना। ओहो वर्षा, मैं जानता हूँ स्टेशन पर गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम हर समय एसी में रहने वाली लड़की हो और यहाँ देहात की धूप तुम्हारे बदन को काट रही होगी बेटी। अरे हाँ हाँ, तब तक किसी पंखे के नीचे बैठो, हम अपने बेटे गुमान सिंह को बहुत जल्द तुम्हारे पास भेज रहे हैं। हाँ, अरे भेज दूंगा, परेशान क्यों हो? हाँ ठीक है। कह रहा है, अरे तुम नहीं जानते हो, ये हमारे साले भानु प्रताप सिंह की लड़की है। तो पानी बरसा है गाँव? अरे साले पानी नहीं बरसा है, हमारी सरोतिन का नाम है वर्षा, हमारे साले की लड़की है जिसका नाम वर्षा है। अच्छा, हम कहीं कहूँ पानी बरसा, जो लंदन के विश्वविद्यालय में पढ़ाई करती थी। लंदन? हाँ लंदन में। आज पूरे 18 साल के बाद वही वर्षा अपने गांव पतंजा को आ रही है। तो बिटिया से आनी हुई है? अरे जवान हो गई है, शादी करने लायक है। हाँ, अब तुम एक काम करो, हमारे बेटे गुमान सिंह को बुलाओ। आइए, पिताजी बुला रहे हैं तुम्हारे। पिताश्री और पिताजी इस दम और क्यों किया और मुझको